से पानी की किल्लत से बहुत परेशान है। यहाँ पर ना तो पीएचई आज से 20 साल पहले ये लाइनें लगाई गई थी और उन लाइनों में आज तक कभी 20 या 25 दिन में कभी 20 या 10 लीटर पानी आता है टोटल। तो उसका ले आ रहे हो ना? ये गांव सुरूला जो है 200-250 घर पर मुश्तमिल है और यहाँ जब बारिश नहीं होती है लोग इतने परेशान होते हैं कि रात को लोग चश्मे पर जो है पूरी रात चक्कर लगाते हैं पानी के लिए रोटी लेके, और उसके बावजूद ही हमारे लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता और लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बावजूद लोग आपस में लाठियां लेकर लड़ाई भी करते हैं जब लोगों को पानी नहीं मिलता है। और हाँ, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पिछले 20 सालों से पानी के लिए इतने परेशान हुए हैं और ये जो इलाका है ये बॉर्डर के करीब है, यहाँ और परेशानियां बहुत हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पानी के लिए सोचते सोचते कई अरसे हमें गुजर गए हैं। और इसके बाद हम जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि जब रातों को लोग दिन को मजदूरी करके लोग रात को अपने घर आते हैं उनको पानी नहीं मिलता तो लोग रातों को चश्मे के चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को पानी जब नहीं मिलता है तो लोग रात को अपनी आराम कुर्बान करके जो है रात को चश्मे के चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिलता। इसलिए ये गांव जो है 200-250 घर है जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से आप लेने सब चेक की जाए देखा जाए कि यहाँ ना कोई पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मुलाजिम नहीं आता है, ना कोई देखता है कि इस मोहल्ले में पानी की जरूरत है, हमारे बच्चे पानी के लिए बिलखते। रूला पंचायत लोअर वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं जहां पर लोग आज अपने बच्चों औरतों और सभी पूरे परिवारों को लेकर रोड पर निकले हैं। लोगों का ये कहना है कि यहां महकमा पीएचई की तरफ से 20 साल कबल जो पानी की पाइपें लगाई गई थी वो अब बोसीदा हो चुकी हैं, उनमें पानी आना बंद हो गया है और लोगों को मजबूरी से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कीमती पैसे लगाकर अपनी पाइपें खरीद कर 3-4 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं या फिर सुबह उनको अंधेरे में ही उठ के चश्मों का रुख करना पड़ता है, जहां पर भारी रश होने के कारण कभी कभी इन लोगों में आपस में मुठभेड़ भी हो जाती है। लोगों का यही कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, सरहदी इलाका की ये पंचायत है, एक तो सुबह सवेरे इन लोगों के लिए उठना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये सरहदी इलाका है, कभी आर्मी की गश्त होती है तो लोगों को हर किस्म की यहाँ परेशानी का सामना है। इन लोगों का ये कहना है कि आज ये बर्तन लेकर अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार को लेकर पूरे रोड पे उतर चुके हैं। लोगों का डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये मतालबा है कि सरूला पंचायत लोअर में वार्ड नंबर 1 में यहाँ अपनी वो टीम भेजकर यहाँ ये मायना किया जाए कि वाकया इन लोगों का जो ये प्रोटेस्ट ये जायज था या नहीं था। लोगों का ये कहना है कि हरसा दराज से लगभग 10 साल से इनके साथ ये ज्यादती हो रही है और इनका यही इनने यहाँ पे मांग की है इनने कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक टीम भेजी जाए, वो यहाँ मायना करे और एक हैंडपंप के लिए इन्होंने बार बार हमें कहा कि इस इलाके में अगर एक हैंडपंप लगाया जाए तो इन लोगों की मुश्किलात में कमी हो सकती है। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए तो जानवरों के लिए पानी भी नहीं है, लोगों के पीने के लिए पानी भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर सुबह ये कतार में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद इनको चश्मों से पानी लाना पड़ता है। तो हमारी भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये मुतालबा हमारा भी रहेगा कि यहाँ जल्द जल्द एक टीम भेजी जाए और ताकि इन लोगों के साथ इंसाफ